फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और आज की ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ जो कि आपको अपने बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहली जो गलती है वो ये है कि रोल नंबर गलत ना भरें। बिल्कुल सही लिखा है, रोल नंबर गलत ना भरें। फ्रेंड्स जब भी आप अपना बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं तो उस समय जो है कई बार आप मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना। अपना जो रोल नंबर है कई बार गलत कर देते हैं, गलत भर देते हैं। वहाँ पर मान लीजिए कोई भी अंक है, जैसे कि मान लीजिए 5 है, 5 की जगह आप कभी कभी भूलकर 6 लिख देते हैं, है ना। तो यही मिस्टेक जो है आप कर देते हैं, और अगर आप ऐसी मिस्टेक कर देंगे तो आपकी जो कॉपी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक एक नंबर से अगर आप एक नंबर भी मिस्टेक कर देंगे, कोई गलत नंबर लिख देंगे उसकी जगह पर, तो आपकी जो कॉपी है वो चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए आपको जो है रोल नंबर गलत नहीं भरना है, और रोल नंबर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि रोल नंबर आपका गलत ना हो, ठीक है। बार बार आपको रोल नंबर अपना चेक करते रहना है कि कहीं आपने रोल नंबर गलत तो नहीं भर दिया है ना। तो एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छे से देख कर आपको रोल नंबर अपना भरना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती यही है रोल नंबर की। तो रोल नंबर आपको गलत नहीं भरना है अपने बोर्ड परीक्षा में, एकदम अच्छे से इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। तो अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पर। सेकंड नंबर है कि प्रश्न पूरा मत देखिए, प्रश्न आपको पूरा नहीं देखना है। फ्रेंड जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चन पेपर में जितना भी सारा प्रश्न दिया है, आगे पीछे जितने भी सारे प्रश्न दिए हैं क्वेश्चन, सभी को आप देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ये प्रश्न मुझे आता है, इस प्रश्न का उत्तर मुझे आता है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, ऐसे आप सोचने लगते हैं, ठीक है ना। अगर आप ऐसे करेंगे कि मतलब अगर आप ऐसे सोचने लगेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे आता है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो जो आपको आता भी होगा वो भी आप भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो फिर क्या लिखेंगे। तो इसीलिए आपको प्रश्न को पूरा नहीं देखना है, ठीक है। इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है कि प्रश्न पूरा मत देखिए। जो आपको मतलब कि स्टार्ट कर दीजिए, फ्रंट में जो क्वेश्चन दिया है, आगे से पहले पेज से जो भी सारा क्वेश्चन दिया है उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि रोल नंबर गलत ना भरे, रोल नंबर आपको अच्छे से भरना है, एक भी अंक जो, एक भी नंबर जो है वो गलत नहीं भरना है। और दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न पूरा मत देखिए। जो आपको पहला प्रश्न दिया है पहले प्रश्न से स्टार्ट कीजिए, पहले प्रश्न का उत्तर लिखते जाइए, ऐसे सारे प्रश्न लाइन वाइज लाइन करते जाइए। पूरा प्रश्न एक ही बार में देखने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या एग्जाम क्या क्या पेपर में आया है, क्या क्या नहीं आया है। इस तरह से आप और पैनिक हो जाएंगे, आप मतलब कि आपको टेंशन हो जाएगी कि ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे याद ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ, ठीक है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि साफ सुथरा लिखिए। आप क्या करते हैं, कभी कभी कटपिट कर देते हैं उसमें, है ना। किसी प्रश्न का उत्तर लिखते रहते हैं तो उस समय उसमें कटपिट कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको साफ सुथरा लिखना है। किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं भी पता है, थोड़ा सा भी आ रहा है उस प्रश्न का उत्तर, तो उसे लिखिए, लेकिन साफ लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, ज़्यादा कटपिट मत कीजिए, ठीक है ना। आपने कुछ भी लिखा उसे ऐसे कटपिट कर देते हैं, तो इस तरह जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो अगर आपने उस प्रश्न का उत्तर पूरा भी लिखा होगा तो भी वो आपको मार्क्स नहीं देगा फुल, है ना। ज़्यादा अगर आप ऐसे कटपिट किए रहेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स वो नहीं देगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, साफ सुथरा लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि चौथा नंबर पॉइंट है कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर समय मत नष्ट कीजिए, उस प्रश्न को बाद में करिए। इस पॉइंट को भी एकदम आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर समय मत नष्ट कीजिए। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन पर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। उस क्वेश्चन पर ज़्यादा समय नहीं देना है, अगले क्वेश्चन का आंसर लिखिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसके लिए स्थान छोड़ दीजिए, ठीक है ना, जगह छोड़ दीजिए, और जो आ रहा है उसको करिए। और बाद में जब पूरा क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे आप, तो आपने इसके लिए जगह तो छोड़ा ही होगा, तो इसे आप आराम से बैठ कर याद करके कीजिएगा, है ना। तो जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है उस पर समय मत नष्ट कीजिए, और उस प्रश्न को बाद में करिए, ओके। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है। अगला फाइव नंबर पॉइंट है कि अंत में पूरे कॉपी का निरीक्षण करें, और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। जब आप पूरे प्रश्न का उत्तर लिख लेते हैं अपनी कॉपी में, तो लास्ट में जब थोड़ा सा समय बचता है तो उस समय आप क्या कीजिए कि अपनी कॉपी का निरीक्षण कर लीजिए, यानी कि अपनी कॉपी जो है, पुस्तिका जो है जिसमें आपने आंसर लिखा है उसको अच्छे से देख लीजिए, है ना। कि कोई क्वेश्चन का आंसर तो आपने नहीं छोड़ दिया है, और अगर छोड़ा भी है, मतलब कोई गलत अगर कुछ भी लिखा है, तो आपको आप एक बार निरीक्षण करेंगे, देखेंगे अपनी कॉपी को, तो आप उसे सही कर देंगे, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है कि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, लेकिन लास्ट में जब आप उसे मतलब कि कॉपी का निरीक्षण करते हैं, फिर देखते हैं कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, तो उस समय आपको याद आ जाता है, तो उस समय आप लिख दीजिएगा। तो कॉपी का निरीक्षण करना लास्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे कुछ अगर गलत हुआ रहता है तो वो आप सही कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे पांच महत्वपूर्ण पॉइंट, या फिर आप इसे गलतियां भी कह सकते हैं, और एकदम अच्छे से आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में बाकी सभी वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगी, तो वहां से जाकर आप बाकी सभी वीडियो को देख लीजिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टीम क्लासेस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो इस पॉइंट से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा।
अगर आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।